हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सोन पत्ते की भाजी की सब्ज़ी। ये देखिए, उनका पेड़ इस टाइप से होता है और इसका ये जो कोमल पत्तियाँ है फ्रेंड, इसी को हम सब्ज़ी बनाने में यूज़ करेंगे। और ये हार्ड पत्ती जो है वो सब्ज़ी बनाने से क्या पकता नहीं है, तो इस टाइप से कोमल कोमल पत्तियों का आप तोड़ लीजिए। ये सोन पत्ती का पेड़ देखिए इस टाइप से दिखता है, इसे कचनार भी बोलते हैं फ्रेंड। कचनार जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये थायराइड में या फिर ट्यूमर या गांठ वाठ वगैरह है कहीं पर भी, तो ये उसे ठीक करने में उपयोग हो जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसका उपयोग हम मतलब इसका हम पेड़ का फल फूल पत्ती और इसका जो छाल है ये सभी उपयोग में होता है फ्रेंड, और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है, तो आज हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे कचनार का। ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड खाने में और ये फ़ायदेमंद भी होता है फ्रेंड, और बनाना भी बहुत ईजी है। अगर आप चाहो तो टमाटर में बना सकते हो, और नहीं तो आप खट्टा डाल के बना सकते हो, चाहे तो दही या फिर छाछ या आम इमली कोई भी खट्टा आप डाल सकते हो, और नहीं है तो ओनली टमाटर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड, इसे आज हम बनाएंगे सब्ज़ी, और इसका फ़ायदे तो आप जान ही लिए फ्रेंड, बहुत फ़ायदे हैं। तो अगर आप मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे ये कमेंट यह रेसिपी कैसे लगा कमेंट बॉक्स पर कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसे हम सोन पत्ता बोलते हैं, सोन पत्ता या फिर हम इसे कचनार का भाजी भी बोल सकते हैं। कचनार तो आप सभी जानते ही होंगे, तो ये सोन पत्ता है जिसका भाजी हम बनाएंगे, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हेल्दी है। ये जो है शरीर में कहीं पर भी अगर गांठ है ट्यूमर है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। इसे खाते रहने से थायराइड भी नहीं होता है, और शरीर में अगर कहीं पर गांठ है वो भी गल के निकल जाता है बोलते हैं फ्रेंड। तो इसे आप हफ्ते में ज़रूर एक बार खाइए। ये देखिए, ये सोन पत्ता या सोन भाजी या फिर हम इसे कचनार की भाजी भी बोल सकते हैं। इसका पत्ता इस टाइप से दिखता है, ये कहीं पर भी मिल जाता है, ये बाज़ार में नहीं बिकता फ्रेंड। ये पेड़ अपने आसपास जो रहता है उसी से आप तोड़ के बना सकते हो, और कोमल कोमल ये पत्ता जो है ऐसा बड़ा पत्ता को नहीं बनाना है। इसके लिए जो छोटा छोटा ऐसा कोमल पत्ता जो निकले रहेगा उसी को ही हम इसको पकाएंगे, क्योंकि यही पकेगा, नहीं तो ये जो है पत्ता ये पकता नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो हार्ड हो जाता है। ये बहुत ही बीमारियों में काम आता है फ्रेंड, ट्यूमर है गांठ है कहीं पर भी, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। और ये सेम बुहार भाजी के जैसे हम इसे बनाते हैं, जैसे मैंने बुहार भाजी का रेसिपी डाला है आपने देखा ही होगा, तो सेम वैसे ही इसे भी हम खट्टे में बना सकते हैं। खट्टे में आप या तो दही या फिर छाछ यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो आम में भी बना सकते हो, नहीं तो इमली में भी बना सकते हो। खट्टे में क्या है, इसका टेस्ट अच्छा आता है, और अगर खट्टा आपको नहीं खाना है तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर डाल के भी बना सकते हो, फिर भी ये अच्छा लगता है। जैसे भी आपको पॉसिबल हो आप बना सकते हो। तो आज मैं आपको इसको दही या मही के साथ बनाना बता रही हूँ, जो कैसे बनाते हैं। जैसे हमने बुहार भाजी बनाया था सेम वैसे ही इसमें बनाया जाता है चना दाल और प्याज के साथ। तो सबसे पहले फ्रेंड, ये देखिए मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें चना दाल को डाल दी हूँ, जितना आपको ज़रूरत होगा उतना चना दाल आप ले लीजिए। और उसके बाद ये जो सोन पत्ता है उसे हम डाल देंगे। इसे मैंने धो के रख लिया था, दो तीन पानी आप इसे धो सकते हो, हल्का गर्म पानी से धोइए, जैसे मैं आपको ऊपर सिखाया था धोने के लिए। हल्का गर्म पानी, थोड़ा सा नमक डाल के धोइए फ्रेंड, जिससे कि इसमें कुछ भी अगर बैक्टीरिया है वो मर जाता है। अब उसके बाद हम ये प्याज को भी इसमें डाल देते हैं, और टमाटर जितना टमाटर मिल गया है सब टमाटर उसमें डाल दीजिए, और ये छाछ मही जो भी आपके पास है उसे डाल दीजिए, जितना ज़्यादा हो उतना डालिए, कि ये इसमें थोड़ा सा खट्टा आना चाहिए टेस्ट में, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर अगर आपको थोड़ा तीखा चटपटा पसंद है तो, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें हम धनिया पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, ना ही जीरा पाउडर, सीधा इसमें हल्दी नमक और मिर्च ही डालना है। अब इसमें अगर ज़रूरत होगा तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और नहीं ज़रूरत है तो आप ऐसे ही ढक्कन बंद करके लगा सकते हैं एक या दो सीटी। मैं इसमें थोड़ा सा एक कप और पानी डाल देती हूँ। उसके बाद हम इसे सीटियाँ कुकर बंद करके दो सीटी लगा लेंगे। अगर आपको ये सबको एक साथ नहीं डालना है तो आप चना दाल और भाजी को बस ही थोड़ा सा नमक डाल के आप इसे एक या दो सीटी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये प्याज वगैरह टमाटर प्याज को भून कर इसमें आप ये भाजी को डाल सकते हैं, जैसे बघारते वैसे ही। ये शॉर्टकट विधि है, जैसे मैंने बुहार भाजी बनाया था, तो मैं एक साथ सबको डाल के इसे तड़का लगाऊँगी।
फ्रेंड ये मैंने दो सीटी से पका लिया है, देखिए पक गया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, तड़का लगाएंगे। ये तेल गरम बने रख दिया है मैंने, और ये लहसुन को कूट लिया है, और ये जो लाल मिर्च है उसे हम तोड़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये अब तेल गरम हो गया है, इसमें आप ये लहसुन को डाल दीजिए, और उसके बाद ये जो मिर्च है उसे डाल दीजिए और थोड़ी से ढक दीजिए। ये भून चुका है, अब इसे हम इसे डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड इसे हम चेक कर लेते हैं, देखिए इसे अच्छे से पकने दीजिए। ये जो इसमें जो पानी है रस है वो थोड़ा सा और कम हो जाए। देखिए फ्रेंड इसे चेक कर लेते हैं, ये देखिए अब पक चुका है। इसमें भी थोड़ा सा ग्रेवी भी कम हो गया है, अगर आप चाहो तो और सिर्फ सूखा कर सकते हो, और नहीं तो ये ठीक है फ्रेंड, इतना हम रख सकते हैं। अब इसे मैं बंद कर दूँगी अपना गैस को। देखिए फ्रेंड हमारा सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसे शेयर भी कीजिए फ्रेंड, जिससे बहुत लोग इस रेसिपी का फ़ायदा ले सके। तो प्लीज़ इसे आप आगे शेयर भी कीजिए। अब मैं आपसे अगले रेसिपी में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।